दो दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं बिछुआ ब्लॉक के दौरे पर जा रहा हूं। वहां से खबर मिली है कि अतिवृष्टि के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है। प्रशासन तो सर्वे तक नहीं करवा रही है, मुआवजा तो दूर की बात है। आज मैं वहां जाकर मुआवजा करूंगा, प्रशासन से मांग करूंगा कि मुआवजा मिले और बीमा सही समय पर मिले। नकुल नाथ ने कहा कि हर वर्ग परेशान है, चाहे किसान हो, अतिथि शिक्षक हो या छोटे कर्मचारी हो। देखिए, जब भी ये विधायकों ने मुझसे मांग की थी कि आप पता लगाइए कि केंद्र से कितना जीएसटी स्टेट को आना है, क्योंकि हर बात पे ये कह देते हैं कि सेंटर से जीएसटी का पैसा नहीं आया, तो इसलिए मैंने जानकारी संसद में पूछी कि कितना जीएसटी मध्य प्रदेश को ड्यू है और जब से जीएसटी लागू हुआ है कितनी राशि सेंटर से राज्य को आई है। और संसद में बड़े मुखर होकर आप प्रश्न उठाते हैं, छिंदवाड़ा के किसान, सब्जी उत्पादक किसानों की बहुत बुरी स्थिति है, रेट ही नहीं मिल पा रहे हैं। अभी हाल ही में टमाटर को उन्होंने वहीं पे उखाड़ के फेंक दिया, क्या है? देखिए, ये केवल छिंदवाड़ा के किसानों का सवाल नहीं है, ये पूरे प्रदेश के किसानों का सवाल है। आज मैं बिछुआ ब्लॉक के दौरे पे जा रहा हूँ, वहां से खबर मिली है कि अतिवृष्टि के कारण सारे फसल बर्बाद हो गए हैं और प्रशासन तो सर्वे तक नहीं करा रही, मुआवजा तो दूर की बात है, सर्वे तो कराए। तो आज मैं जाके वहाँ मुआवजा भी करूँगा और फिर इन संसद में ये मांग भी रखूंगा कि मुआवजा मिले और बीमा सही टाइम पे हमारे किसानों को मिले। स्ट्राइक हो रही है, छोटे कर्मचारी जो है, आशा उषा कार्यकर्ता लगातार 18वें दिन आज स्ट्राइक पे है मांगों को लेकर। देखिए, पूरा जो प्रदेश है वो स्ट्राइक पे जाने वाला है। आप छोटे कार्यकर्ताओं कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, यहाँ हर वर्ग परेशान है। हम अपने किसानों की बात करें, अपने अतिथि शिक्षकों की बात करें, अपने नौजवानों की बात करें, हर वर्ग आज परेशान है। सांसद जी, दूध महंगा हुआ है, महंगाई को लेकर क्या हुआ? देखिए, महंगाई तो आसमान को छू रही है, ये पूरा देश देख रहा है। और 2023 में 2024 में जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। दोस्तों, न्यूज ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।